नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को जो हुआ वो सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में चर्चाओं में है। तेजस्वी यादव बड़े खेल का दावा कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर हमने देखा कि किस तरीके से आरजेडी के 3 विधायक जो हैं वो आरजेडी खेमे की तरफ न बैठकर एनडीए की तरफ आकर बैठ जाते हैं और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। ये 3 विधायक हैं, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी। इन तीनों विधायकों को लेकर बिहार के तेजस्वी यादव के समर्थकों में आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आरजेडी को दगा देने वाले इन 3 विधायकों पर कार्रवाई क्या होगी, तो चलिए आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। बता दें कि इन तीनों विधायकों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। इस कानून के तहत अगर आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कराते हैं और आप उस पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो आपकी विधायकी या सदस्यता भी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में इन विधायकों के खिलाफ आरजेडी को स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के सामने कार्रवाई की मांग करनी होगी। अगर ऐसी कोई शिकायत जाती है तो फिर स्पीकर इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी विधायक के तौर पर जो है उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि स्पीकर एनडीए का है, बीजेपी के पुराने नेता नंद किशोर यादव है, तो ऐसी परिस्थिति में संभावना ये बनती है कि पूरे मामले को डीले भी किया जा सकता है, लगातार कार्रवाई को खींचा भी जा सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब 1.5 साल के आसपास का वक्त बचा है। तो अगर बीजेपी चाहेगी तो कहीं न कहीं पूरे मामले को खींचकर इनकी सदस्यता बरकरार रखी जा सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आरजेडी के पास एक ऑप्शन ये है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट का अगर आरजेडी दरवाजा खटखटाती है तो पूरा मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा और उसके बाद कोर्ट का जो भी फैसला होगा वही इन विधायकों को मानना भी होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को धोखा देने वाले चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी की विधायकी पर तलवार लटका हुआ है। इंतजार इस बात का है कि पूरे मामले पर आरजेडी शिकायत कब करेगी और अगर आरजेडी शिकायत करती है तो बड़ा सवाल है तो इन विधायकों के खिलाफ क्या विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव बड़ी कार्रवाई करेंगे, क्या इनकी सदस्यता समाप्त करेंगे, क्या जाएगी नीलम देवी, प्रहलाद यादव और चेतन आनंद की विधायकी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।